अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मैं कुछ आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मेरे गार्डन में कुछ क्लीनिंग के बाद जो मैं वो भी आपको दिखा रही हूँ वो हम आप सब मिलकर देखेंगे। अच्छा, मेरे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो मैं पहले भी उनका रिव्यू करवा चुकी हूँ, काफ़ी अर्से बाद फिर इसका वो रिव्यू करवा रही हूँ, जिनमें से ये प्लांट्स हैं। ये देखें, पर्पल हार्ट का प्लांट है माशाल्लाह से। सारे तो प्लांट्स के मैं नेम नहीं बता सकूंगी, लेकिन मैं दिखाऊंगी आपको। ये देखें, मेरे को चले कुछ ये प्लांट्स हैं लाल बादशाह के, कुछ यहाँ प्लांट है, कुछ मनी प्लांट है, ये स्पाइडर प्लांट है जो कि काफ़ी जल चुका है मेरा प्लांट ये। अच्छा, ये मेरे कुछ ऐसे प्लांट्स हैं। ग्रेसन का ये जो प्लांट है, मैंने इसमें डबल कलर में इसमें कटिंग लगाई हुई है, और इसमें देखें थ्री कलर्स आ रहे हैं, ग्रीन, ये ब्राउन आ रहा है, और ये पिंक ज़्यादा इसमें दिख रहा है, तो इसमें थ्री आ रहा है। बड़ा ये पोर्शन मेरा काफ़ी कलरफुल कलर ऐड कर रहा है गार्डन में। और कुछ कोरियस के प्लांट हैं, ये इतने कॉस्टली नहीं होते, ईजीली आपको हॉकर से ये और नर्सरी में अवेलेबल होते हैं, आप बहुत चीप प्राइस में इनको परचेज कर सकते हैं समर के अंदर। तो देखिए, ये मेरे गार्डन में मुझे कुछ कलर फुल गार्डन अच्छा लगता है, तो मैंने देखें कुछ कलर ऐड करने के लिए कोरियस के प्लांट लिए हैं। ये ज़्यादा अर्सा आपके पास नहीं रह पाते, आप तो समर के जाने से पहले आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। अच्छा, ये प्लांट है, ये भी पर्पल हार्ट का मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ एवर ग्रीन का प्लांट है पीछे मेरा। ये देखें, पीछे मेरे प्लांट्स रखे हुए हैं। ये एरोकेरिया का प्लांट है, जिसको क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। यहाँ मेरा ये प्लांट है, काफ़ी पीछे काफ़ी भी प्लांट रखे हुए हैं। यहाँ एवरग्रीन के प्लांट हैं, ये देखिए एवरग्रीन के टू प्लांट्स मेरे पास हैं, इसमें से एक रेयर है, एक लोकल प्लांट है। चलिए, मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको दिखाती हूँ कुछ व्यू जो किसी ऐसे क्लियर नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा, ये सिल्वर स्क्वायल का प्लांट है, बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है। ये सिर्फ आप गार्डन में ले लें, रख लें इसको, तो ये बुशी से बुशी होता जाता है। और ये देखें, एक छोटा सा ये देखें इसका बल्ब है, बल्ब के ज़रिए से ग्रो होता है, और बहुत अच्छी ग्रोथ होती है इसकी। ये देखें, पिंक प्लांट है, ये बड़ा अच्छा लग रहा है। ये देखिए, बहुत सारी मेरी कटिंग है जो मैंने लगाई है इस साल। ये देखें, ये प्लांट है लाल बादशाह का, ये कटिंग का है, तो माशाल्लाह से ये इसी साल की कटिंग है। मैंने पहले भी आपको वीडियो में दिखा चुकी हूँ, जो कि मैं अभी भी व्यू करवा रही हूँ। ये मेरा कितना टॉल हो गया, ये मेरा प्लांट है एरोकेरिया का। चले, मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको कुछ प्लांट्स और दिखाती हूँ। ये कि मेरे पास कोलियस का ये कलर है, एक ये कलर है, एक ये है लाइट सा है, ये इसी का डार्क है। अच्छा, ये जो है मेरा अरवी का प्लांट है, बार बार मर जाता है और बार बार ही जाता है, क्योंकि पिछले दिनों पानी ना देने की वजह से बड़ी लापरवाही हुई। लेकिन ये मेरा प्लांट फिर भी लीव इसके निकल गए हैं। जैसे ही प्लांट्स काफ़ी सारे इसमें अरवी लगी हुई हैं, जैसे ही प्लांट की अच्छी ग्रोथ होती है मैं इसको सेपरेट करूंगी। अच्छा, ये मेरा देखें, एक मेरा ये प्लांट है जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, और ये मेरा किल होते होते बच गया है ये प्लांट। एस्पैरिगस फर्न होता है ना, ये वो है प्लांट। और ये कुछ मेरे पर्पल हार्ट की कटिंग रखी हुई है जो काम करते हुए काफ़ी निकल चुकी थी, इसको मैं लगाऊंगी। ये इतनी क्रेस्पी क्रेस्पी सी होती हैं देखने में, ये निकल जाती हैं। ये रीसेंट का प्लांट है, सॉरी रंथेमम का प्लांट है ये, और आगे भी काफ़ी मेरे प्लांट्स हैं। नीचे एक रंथेमम के कॉर्नर पे कटिंग रखी हुई है। ये जेट प्लांट है, जैसे ये छोटे छोटे इनकी इससे ज़्यादा ग्रोथ हम नहीं रख सकते हैं प्लांट की। ये देखिए, ये आज मेरे मॉर्निंग ग्लोरी का प्लांट, ये मेरे गार्डन में पता नहीं खुद ही आ गया, और खुद ही फ्लावरिंग हो रही है, कहाँ से खुद ही ग्रोथ होने लग गई है इसकी। चले, मैं वीडियो को आगे बढ़ाते हुए वीडियो को एंड भी करूंगी। अच्छा, ये मेरे प्लांट्स हैं, ये पहले भी आप उसका व्यू कर चुके हैं।
इसकी जत्रुफा की, ये जो प्लांट मैंने जिसकी कटिंग की थी और पिछली वीडियो में आपको 2 times में दिखा चुकी हूँ, ये वही प्लांट है। अब तो माशाल्लाह से काफ़ी फ्लावरिंग भी होने लगी है। इसके भी देखें आप, छोटे छोटे से फ्लावरिंग होने वाली है इसमें। और ये मेरे स्पाइडर के प्लांट्स हैं, काफ़ी टॉल हो गए ये भी। अच्छा, ये सारे जो पिछले दिनों जो मैंने कटिंग लगाई है और कुछ के रिज़ल्ट आ चुके हैं, कुछ के बाकी हैं, अब हम वेटिंग पर ही हैं। ये मैं चाहती थी आपको दिखा दूँ। मैं देखे एवरग्रीन का प्लांट है और ये मेरा रबर प्लांट है जो कि काफ़ी डर्टी सा हो रहा है, बार बार इसकी सफाई करनी पड़ती है। वाटर करने के बाद भी थोड़ा सा मैं इसको कॉन्सेंट्रेट से कुछ करूँगी। चले मैं वीडियो को एंड करते हुए कुछ और न्यू वीडियो में कुछ और टॉपिक के साथ मैं आपको मिलूंगी। कुछ थीम्स होंगी, कुछ आइडियाज़ होंगे, आप होंगे और हम होंगे। मेरी वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।